हेलो एवरीवन, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज का विचार लेते हैं और आज का जो विचार है वो हमें भेजा है रितु सिंह जी ने, और इसके लिए रितु जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने विचार रखे। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपने विचार रखते रहें ताकि हम उसके ऊपर अच्छी अच्छी वीडियोज बनाते रहें। और रितु जी लिखती हैं, क्या हो अगर आत्मकार का प्लेनेट मृत हो और वो बाधक भी बन जाए तो उसके फल क्या होंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। आत्मकारका प्लेनेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो आत्मकारका प्लेनेट वो होता है जो सबसे हाईएस्ट डिग्री में होता है हमारे D1 चार्ट में, उसको हम आत्मकारका प्लेनेट बोलते हैं। और आत्मकार का जो प्लेनेट है वो हमारी सोल की जर्नी और सोल का एक्सपीरियंस दिखाती है। दूसरा ये दिखाती है कि हमारी सोल यहाँ पर क्या करने के लिए आई है। लेकिन आपके बर्थ चार्ट में अगर आपका आत्मकार का प्लेनेट वीक होता है, कंबशन में होता है या किसी भी तरीके से कमज़ोर हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और स्पेशली आत्मकार का प्लेनेट को आध्यात्मिक तरक्की के लिए देखा जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आध्यात्मिक तौर पर तरक्की नहीं कर पाते हैं लेकिन मैटरिस्टिक गेन बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आत्मकार का प्लेनेट अगर वीक पोजीशन में है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप जीवन में मैटरिस्टिक गेन नहीं करेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि जीवन का जो डायरेक्शन है वो हो सकता है थोड़ा सा बिगड़ जाए, क्योंकि आपके जीवन में आपको आध्यात्मिक तरक्की हो सकता है ना मिले लेकिन मेटलिस्टिक गेन आपको मिल सकता है। तो आत्मकार का जो प्लेनेट है वो इसलिए देखा जाता है कि हमारी जो भी आध्यात्मिक तरक्की है या आध्यात्मिक प्रगति है उसके लिए हम आत्मकार का प्लेनेट को देखते हैं। लेकिन उसकी पोजिशन आपके बर्थ चार्ट में अगर वीक होती है, अगर वो अपने कंबशन में होता है, लेकिन आपके D9 चार्ट में, D10 चार्ट में अगर वो अच्छी पोजिशन में होता है तो हमें अपने कैरियर में कई बार सफलता भी मिलती है और कई बार हमें काफ़ी गेन भी होता है, लेकिन हमें आध्यात्मिक गेन नहीं होता है। क्योंकि आपका जो आत्मकार का जो प्लेनेट है वो ये बताता है कि इस जीवन में आप किन किन चीज़ों को करने आए हैं और आपकी जो आत्मा है उसकी जर्नी क्या है, आपकी आत्मा का गोल क्या है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया कि आपके बर्थ चार्ट में अगर आपका आत्मकार का प्लेनेट अगर वीक पोजिशन में होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।